हम लोग कुछ क्रॉस कर रहे हैं, पता नहीं क्या है ये। बीच में से रास्ता बना हुआ है इधर काली टेंपल जाने के लिए। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये रुको, या इसी तरफ है। लेट्स गो गाइस, ये ऑलमोस्ट रीच। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये देखो ये झंडा, इधर है वो टेंपल। सो हम लोग उधर उतरेंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। अंदर नहीं जाने वाला हूँ मैं, लेकिन बाहर से आप लोगों को जो व्यू है आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। ओके सो लेट्स गो गाइस। देखो यार, मछली का कुछ मतलब डेथ हो गया पता नहीं कैसे। सो फेल सॉरी फॉर, कहाँ से आना पड़ता है यार कैमरा पकड़ के इसमें। देखो कहाँ से जा रहे हैं हम लोग। ओह इट्स नाइस गाइस, लुक एट दिस। इससे जाना पड़ता है इस तरफ। या गाइस यहाँ पे देखो, ये टेंट दिख रहा है, बहुत सारा टेंट है यहाँ पे। तो आप लोगों को दिखा दे अच्छे से गाइस। दिस इज सुकुआ माचो। सो बंगाली में इसको सुटकी बोलते हैं, बाहर में क्या बोलते हैं पता नहीं। यहाँ पे सूखने के लिए रखा गया है ये। एंड ये जो सारे नेट्स देख रहे हो आप लोग, ये यहाँ पे टेंट पे वो सारे फिशरमैन रहते हैं यहाँ पे यार। वाह देखो, अंदर जाके तो नहीं दिखा सकता आप लोगों को। सो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ पे कोई, यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये कुछ सोलर पैनल लगा हुआ है एंड मे बी यही मंदिर है। या दिस इज द मंदिर, काली माता टेंपल। अच्छा दैट्स द मंदिर, दैट्स द मंदिर। ओके या दिस इज दिस वन। सो एंड यहाँ पे देखो सारे तरफ टेंट 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 टेंट। तो ये जो घर देख रहे हो ये सब नेट से ही बने हुए हैं। देखो जो नेट से मछली पकड़ते हैं उसी से सब घर बना हुआ है, और थोड़ा बहुत प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, सो मुझे जो लगा मैंने बताया आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे कोई बैठ के नेट बुन रहा है, नाइस। एंड यहाँ पे जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए कोई रहने का बंदोबस्त नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट आइलैंड मुड़ के जो और एक आइलैंड है वहाँ पे इंतज़ाम है। अजय भैया मुझे आइडिया दे रहे हैं कि इस फिशरमैन के घर के अंदर जाओ, जाके ब्लॉक करो। हम बोले नहीं, मार नहीं खाना है अपने को। या अच्छा जगह है, चलो यहाँ से निकलते हैं। अभी निकल के ब्रेकफास्ट आइलैंड में चलते हैं। ओके सो गाइस, चलो आप लोग एक ट्रांजिशन दिखाते हैं ब्रेकफास्ट आइलैंड। ओके गाइस लुक एट दिस, वाओ गाइस ये देखो, यहाँ पे भी फोटो शूट करना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये हेवेंस आइलैंड है ऐसा कुछ नाम है इसका। मुझे लग रहा था कि ये ब्रेकफास्ट आइलैंड है, तो इन्होंने बोला कि ब्रेकफास्ट आइलैंड जो है वो तो वैसे ही टूटा हुआ है, क्योंकि एक सिर्फ स्तूपा बना हुआ है और कुछ है नहीं उधर। तो वो पीछे 30 किलोमीटर ऐसा कुछ लगेगा। वो देखो मैं कहाँ से अभी कूदना पड़ेगा मुझे यहाँ से। वो लवली, यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, देख सकते हो आप लोग। रूपम दा को देखो, या गाइस लुक एट दिस, दिस इज हेवन साइलेंट चिली का लेक। नाइस, क्वाइट नाइस प्लेस चिली का लेक में। अंदर आके अगर आप लोगों को ब्रेकफास्ट या कुछ भी करना है तो लंच करना इधर आ सकते। ठीक है कोई नहीं, गोली गोली गोली। वो देखो चलो घूमने जाओगे? वाह गाइस छोटे सा पप्पी, ओह कितना क्यूट है।
देखो आप लोगों को इस तरफ पीछे की तरफ देख रहा है ये वाला कुछ पता नहीं शिप है कि क्या है। यहाँ पे है कुछ बोट ऐसा बना हुआ घर है छोटा सा उसके ऊपर एंड ही इज द मोस्ट क्यूटेस्ट वन। Guys, look at them. Ooh, so cute. Let's trip a face off. Chalo, guys. Guys, now we're leaving because यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है खाने के लिए, चाय वाय तो है ही नहीं, सो नॉर्मल सा यार। यहाँ पे प्राइस बहुत हाई था तो इसीलिए हमने सोचे छोड़ो यार, इससे अच्छा हम लोग वही होटल में जाके खाएंगे यार, धूप में यहाँ से क्यों खाए, बहुत वैसे ही बहुत गर्मी लग रहा है। सो पहले चलो यार चलते, हम लोग को ब्रेकफास्ट आइटम देख लेता लेकिन वो नहीं हुआ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब चढ़ना पड़ेगा इसमें, चलो थैंक यू अजय दा, ये बोट कुछ ज़्यादा खेल रहा है या पहुँच गए। अभी यहाँ से जाएंगे वही सेम जगह जहाँ पे बाइक पार्क किए थे, वहाँ से होटल में कुछ खाएंगे फिर उधर से निकलेंगे कहीं और, वो आपको रास्ते में दिखने को मिलेगा। ओके गाइस देख पा रहे हो या दिस मी तैयार हो गया। एक्चुअली मैं आप लोगों से खाते हुए बात नहीं कर पाया या यहाँ पे रेस्टोरेंट पे कुछ काम था तो रूपम दा का ये कुछ पहचान का था। आउच लगता है मेरे पैर पे कट गया, कोई नहीं चलो या आई एम रेडी। अभी का डेस्टिनेशन कुछ ठीक नहीं हुआ है, जाएंगे फिलहाल पुरी की तरफ फिर उधर से सोचेंगे क्या करते हैं। चलो मैंने कहा यार हम लोग अभी कहाँ रुकने वाले हैं कुछ भरोसा नहीं है, होटल तो हम लोगों ने छोड़ दिया था लेकिन फिर से जाके अगर मूड हुआ तो वही बुक कर लेंगे, कोई भरोसा नहीं, पहले जाते हैं फिर देखते हैं। ओके और वैसे भी कुछ देर में शाम होने वाला है, आज चिलिका में एक्चुअली आने में हम लोगों को लेट हो गया था तो क्या हुआ इसकी वजह से प्रॉब्लम, चिलिका में मेरे को हम लोगों को लग गया कम से कम 3 से 3.5 घंटा, उसके बाद खाना बाइक रखना बाइक पार्क करना तो ये सब साइड करना ये सब करने के चक्कर में समझ रहे हो ना ब्लॉगर का लाइफ, तो बहुत टाइम निकल गया। अभी 5 बज गया ऑलरेडी तो क्या करेंगे वही सोच रहे हैं हम लोग, अगर टाइम मिला तो शायद कोणार्क की तरफ भी जा सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंधेरा होने से पहले हम लोग पहुंच पाएंगे, और अगर अंधेरा हो गया तो जाके कोई फ़ायदा नहीं, कुछ आप लोगों को दिखा नहीं पाएंगे और खुद भी कुछ नहीं देख पाएंगे। सो बेटर है पहले चलते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं देखते हैं, चलो लेट्स गो मेरे साथ।
Whoa, man, look at this. So awesome. Whoa. Let's go. Yaar, main to inke piche rehne wala hu kyunki aap log yahan se rasta dekh pa rahe ho. Kuch dikhai nahi de raha, dekh kya paoge aap log. So better option, main inke piche rehta hu. मेरा अभी काम है उनको फॉलो करना, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पहुंचेगी क्योंकि ऐसे स्पूकी रोड पे ज़्यादा स्पीड से चला के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो बेटर ऑप्शन ऐसे ही चलते हैं. एंड मुझे अपने गाड़ी के लिए कुछ अच्छा लेना है क्योंकि पहला जो था उसका कुछ अलग कांड है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा कि हुआ क्या है, क्यों मैंने उसको खोल दिया है. ठीक है, गाइस आई डोंट थिंक सो कि अभी रास्ते में कुछ ऐसा कुछ अच्छा मिलेगा क्योंकि हर तरफ यही सब मिल रहा है. देख पा रहे हो, हर रास्ते पे ऐसे घूम रहे हैं ये लोग, जैसे इन्हीं का रास्ता है. मतलब जिस होटल में हम लोग खाना खा रहे थे कुछ देर पहले, तो वहीं पे बताया कि आप लोग यहाँ से जल्दी नहीं पहुँच रहे हो. क्यों? अरे रास्ते पे गाय कुत्ते ये सब घूमते रहेंगे. मतलब बोले हाँ, हम लोग सोच रहे थे कोणार्क जाएंगे, वो बोले नहीं जा पाओगे, कम से कम 2 घंटे के ऊपर लग जाएगा आप लोगों को जाने के लिए. हम बोले क्यों यार, इतना अच्छा रास्ता है, इतना जल्दी पहुंच जाएंगे. फिर पता चला रास्ते पे आके देखो देखो देखो, इस तरफ हर तरफ है, मतलब थोड़े से दूर में जाओगे तो मिल जाएगा, 100 मीटर के दूर दूर में ही कोई ना कोई है. देखो इधर भी खड़ा है, सामने देखो. इनका कोई गलती नहीं है, इनको ये रास्ता मिला है जाने के लिए घर वापस, तो ये भी जा रहे हैं ना बेचारे. A few moments later.